प्रवचन के इस सत्र में मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे बीच में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश सिक्किम से श्रीमान एन के जैन साहब हमारे बीच में है। निवेदन करता हूं पूज्य श्री के चरणों का मंगल आशीष पाते हुए पहुंचेंगे चित्र अनावरण करने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर जी कोटे, हेमंत जी जोशी, निवेदन कर रहा हूं मांगलिक क्रियाओं में पहुंचेंगे, हाथों में श्रीफल लेकर के पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी बनने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में न्याय दंडाधिकारी रश्मि जी हमारे बीच में हम उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी आए पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी होंगे। आइएगा चित्र अनावरण करके दीप प्रज्वलन करें, पश्चात मां जिनवाणी पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके समर्पित करने का सौभाग्य पाएंगे। आज के पुण्यार्जक जो है मांगलिक क्रियाओं के, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती इंदौरी बाई जी चांदमल जी गोदा जी की पुण्य प्रथम पुण्य स्मृति में श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, शुभम गौतम गोधा परिवार समूचे यहाँ पर आ जाए जो इनके साथ सहयोगी बनकर के आज आशीष पा रहा है। निवेदन करता हूँ एनके जैन साहब आइएगा, चित्र अनावरण कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, गोधा परिवार सहयोगी होगा इसका। लीजिएगा जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। आइएगा दीप प्रज्वलन करती हैं, हम सबके हृदय में ऐसे ही ज्ञान की ज्योति जले, इस मंगल भावना को लेकर के दीप से दीप जलाते चले, हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, अज्ञान का अंधकार दूर होवे, ऐसी मंगल भावना को लेकर के आज हमारे बीच में श्रीमान एन के जैन साहब मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश सिक्किम, उनके साथ ही साथ हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर जी कोटे, हेमंत जी जोशी और हमारे बीच में श्रीमान श्रीमती रश्मि जी आइएगा, गोधा परिवार भी आए सहयोगी होगा इस मांगलिक क्रियाओं में। मां जिनवाणी लेकर के पूज्य श्री के कर कमलों में समर्पित करने के लिए एनके जैन साहब आइएगा, एनके जैन साहब साथ ही साथ और श्रीमान कोटे रामेश्वर जी, हेमंत जी जोशी आइएगा, मां जिनवाणी लेकर के पूज्य श्री के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं। उत्तम जी डारवे, निवेदन करता हूं कि उत्तम जी आप भी आइएगा, इस मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी होंगे। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। लीजिए गोधा परिवार भी एक जिनवाणी लेकर के समर्पित करेगा सभी लोग मिलकर के एक साथ। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में पूज मुनिवर के पात्र क्षरण करने के लिए जयपुर से हमारे बीच में श्रीमान निर्मल जी पाटनी आइएगा, आइएगा। सबसे पहले हमारे एनके जैन साहब पूज गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, जोड़ी के साथ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आइएगा। साथ ही साथ रामेश्वर जी कोटे, हेमंत जी जोशी, चरणन की रज अति सुखकारी, दुख दरिद्र विनाशन हारी। गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन कर अपने आप को अभिभूत कर रहे हैं, माथे पर चरण रज लगा रही हैं, आइएगा आइएगा। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर जी कोटेदार एवं हेमंत जी जोशी मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं श्रीमान सर्वजीत सिंह जी, निवेदन करता हूं, और ममता जी आइएगा, ममताली जी आइए, पूज गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष पाते हुए श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके हम सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। ये वो संत हैं जिनके चरणों में दूर दूर से लोग आकर के अपनी भावनाओं को रखते हुए आशीष पाते हैं। लिए पात्र प्रक्षरण करने के लिए निर्मल जी पाटनी, दिलीप जी गोधा, जम्बू जी वाकलीवाल, पूनम जी जयपुर से हमारे बीच में सभी लोग आइएगा। साथ ही साथ पदम जी चुना वाले कोटा से हमारे बीच में और हरीश जी दिल्ली से हमारे बीच में आइएगा, चरणों के प्रक्षालन करने का इनको सौभाग्य मिल रहा है।
पहुंचिए। गोधा परिवार इन सभी मांगलिक क्रियाओं में सहयोगी है, जो कि अपनी पूज माधुरी की प्रथम पुण्य स्मृति में आज यहां पर उपस्थित हैं। श्रीमान एस के जैन साहब, दिनेश जैन साहब मेरठ से हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं गुरुदेव के चरणों का आशीष पाकर के। अजीत जी सेठी बाबाई से वो भी आशीष पाएंगे। चलिए निवेदन करता हूं अतिथियों को अग्रिम पंक्ति में स्थान दीजिएगा आप बैठने के लिए, प्रवचन का समय हो चुका है। मैं बंधुओं आपको सूचित करूं कि आगामी 13 मार्च से जो यहां पर एक विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, इस विधान की संयोजना यहां पर बन चुकी है। एक दो नहीं, पूरे 64 मंडलों की रचना होकर के यहां पर यह विधान यहां पर होगा। पूज मुनिवर के मंगल आशीष के साथ संस्कृत वाला यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें मंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उसमें लगभग पूरे 64 नाम पूरे हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें दो प्रमुख मंडल होंगे। उन दो प्रमुख मंडलों में पहला नाम हमारे पास सबसे पहले आ गया है, आर के जैन साहब, आर के मार्वल परिवार किशनगढ़, श्रीमान अशोक जी पाटनी परिवार। आर के मार्वल परिवार को सौभाग्य मिला है प्रथम पुण्यार्जक बनने का, और इसी के साथ साथ बंधुओं द्वितीय जो बड़ा मंडल होगा, दो प्रमुख मंडलों में सौभाग्य पाया है जिन्होंने मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरण चेरी, जो हमारे बीच में यहाँ पर हैं, मुकेश जी कीर्ति जी दिल्ली से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने द्वितीय प्रमुख मंडल का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य पाया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, पहले आप बैठिएगा, पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं यहां पर पूरी कमेटी उपस्थित है, धर्म प्रभावना समिति मुकेश जी का अभिनंदन करते हैं, आए श्रीफल लेकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर रहे हैं। मुकेश जी कीर्ति जी दिल्ली, जिन्होंने 64 महामंडलों में से दो प्रमुख मंडलों में से एक नाम इन्होंने अपना लिखा लिया है, पहला आर के मार्वल परिवार और दूसरा है मुकेश जी कीर्ति दिल्ली परिवार। एक बार पुनः ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर विराजिएगा। निवेदन करता हूं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों की वंदना करते हुए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हाथों को जोड़ लीजिएगा, भो स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। अपने स्थान पर बैठिएगा, हमारे जो भी अतिथि उनसे निवेदन की वो अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठ जाइएगा। हालांकि ये निवेदन मैं चाहता तो ऊपर बड़वानी में बड़े वाले खड़े वाले बाबा आदिनाथ भगवान से भी कर सकता था, पर मैं जानता हूं कि वो बोलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरुजी बात करते हो, मुनिवर बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। ओ ओ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार।
हेमं ओ मंगलम जय बोलो देवाधिदेव एकाधाराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव साधना में स्थिरता लाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? गुरु ने जवाब दिया, निष्ठा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव निष्ठा का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने कहा, जो भी कार्य करो स्थिरता पूर्वक करो, लगन से करो। जो तुम्हें तुम्हारे कार्य के प्रति लगनशील बना दे, जो तुम्हें तुम्हारे कार्य के प्रति स्थिरता दिला दे, उसका नाम है निष्ठा। आज न की बात है, सब अजीत साहब पिछली बार आए थे तब भी कखग चल रहा था, आज आप लोग आए हैं फिर से कखग है, लेकिन इस बार का ककहरा आकार से शुरू हुआ है और नए स्वरूप में चल रहा है। आज न की बात है और मैं निष्ठा से अपनी बात की शुरुआत करने जा रहा हूं। मनुष्य के जीवन में निष्ठा होना चाहिए, निष्ठावान मनुष्य की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। निष्ठा को लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, समझा है। निष्ठा की महिमा सब जानते हैं, पर आज मैं चार निष्ठा की बात आप सबसे करता हूं, जो हमारे संपूर्ण जीवन के उन्नयन और विकास के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। सबसे पहली बात है आत्मनिष्ठा। अगर हमें अपना जीवनोत्थान करना है तो हमें आत्मनिष्ठ होना होगा। आत्मनिष्ठा का दो तरह का अर्थ है, एक अर्थ आत्मा के प्रति विश्वास रखना और एक अर्थ स्थिरता रखना। आत्मा के प्रति विश्वास होगा तभी आप आत्मा में स्थिरता रख पाएंगे। भारत की संस्कृति में सबसे पहली बात यह कही गई कि तुम सबसे पहले यह जानो कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में हूं अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूं। ये विश्वास तुम्हारे भीतर गहराना चाहिए और जब तुम अपनी आत्मा के प्रति निष्ठावान होगे तो संसार के इतर प्राणियों के प्रति भी तुम्हारे मन में निष्ठा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएगी। और जब सबके भीतर विराजमान आत्मा की तरफ तुम्हारी निष्ठा होगी तो तुम्हारी प्रवृत्ति में स्वाभाविक रूप से सहजता आ जाएगी। फिर तुम जितनी अपनी चिंता करते हो उतनी ही औरों की भी चिंता करने लगोगे, जितना अपने बारे में सोचते हो उतना ही औरों के बारे में सोचने लगोगे, और यही सोच तुम्हें अहिंसा का सच्चा अनुयायी बना देगी। जो सर्वभूतात्मवाद की भावना को उजागर करेगी, जो आत्म साम्य की भावना को विकसित करेगी, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है हमारे सोच को बड़ा बनाने के लिए,
अपने चिंतन को उदार बनाने के लिए, संवेदनाओं को सर्वव्यापी बनाने के लिए हमें प्रत्येक प्राणी की आत्मसत्ता को स्वीकार करना जरूरी है। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान देखो, पर यह तब संभव है जब तुम्हें तुम्हारी आत्मा समझ में आए। अपनी आत्मा के प्रति निष्ठावान बनो, वही शाश्वत है, बाकी सब जड़ है, छूट जाने वाला है। देखिए, हमारे साथ अनेक प्रकार के संयोग जुड़े, वे संयोग कुछ हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, कुछ औरों की कृपा से प्राप्त होते हैं, कुछ हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी संयोग टिकाऊ नहीं होते, संबंध होता है। जैसे समझने के लिए बोलूं, हमारा और हमारे शरीर का संबंध है, सांसारिक संबंध है। जो संसार में है वो देहधारी है, ये संबंध होगा, है ना? लेकिन कब तक टिकता है? जन्म से, मां के पेट से चिता की राख तक। दूसरा है, जिस दिन हमें शरीर मिलता है, जन्म लेते हैं, उसी दिन मां बाप मिल जाते हैं। ये संयोगिक संबंध है, संयोग है। हमें संयोग तो अपने आप मिलेंगे, संसार में आए हैं, शरीर मिलेगा, शरीर को जन्म देने वाले माता पिता मिलेंगे, लेकिन कब? जन्म के बाद, इस जीवन तक जितने दिन टिक जाए उतने दिन तक। तीसरे प्रकार की चीजें हैं जिन्हें हम अपनी मेहनत मशक्कत से प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख करके बुद्धि अर्जित करते हैं, धन संपत्ति अर्जित करते हैं, दौलत और शोहरत पाते हैं। ये सब मनुष्य अपने थोड़े से पुरुषार्थ से उपार्जित करता है, यह सब संपादित संबंध है। पर इन सब का संबंध यही जीवन तक सीमित है, ये टिकाऊ नहीं है। लेकिन हमारा और हमारी आत्मा का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है, जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ये संबंध आज का नहीं है, अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा। अपने मन से पूछो, मेरी निष्ठा किधर है? सांसारिक चीजों पर है, संयोगिक चीजों पर है, संपादित चीजों पर है, या जो शाश्वत है उस पर है? आत्मनिष्ठा को प्राप्त करने का मतलब अपने उस शाश्वत तत्व के प्रति निष्ठावान बनना कि वही असल में मैं हूं और वही मेरा है। जिस पल ये निष्ठा गहरा जाएगी, हमारे अंदर की माया अपने आप सिमटने लगेगी, फिर आसक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी, जीवन सहज होगा, संयम और संतुलन अपने आप प्रकट होगा। इस केंद्र को पकड़ करके चलना चाहिए जो जीवन का शाश्वत तत्व है। और उस आत्मा को जब हम दृष्टिगत रखते हैं तो कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, अपना पराया मानना, ये सब हमारी क्षुद्रता की अभिव्यक्ति है। भारत की संस्कृति ने विराट तत्व को आत्मसात करने की प्रेरणा दी और ये कहा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्।
ये मेरा है, ये पराया, ये बड़ा, ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये अच्छा, ये बुरा है, ये सब लघु चेत साम गणना, छोटी सोच वालों की भावना है। लेकिन जो उदार चरित्र होते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम सारा संसार ही परिवार की तरह होता है। संत कहते आत्मा के प्रति निष्ठावान बनो, जो हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है उसे हम पहचानेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, नंबर वन। दूसरी बात, लोक व्यवहार में कोई काम करो तो आत्मनिष्ठ होकर के करो, परावलंबी बनकर मत करो। अगर आप आत्मनिष्ठ होकर के कोई काम करेंगे तो उसकी सफलता 100% संभव होगी, और दूसरों पर डिपेंड होकर के काम करेंगे तो उसकी सफलता संदिग्ध होगी। संत कहते हैं जो कुछ करना है अपने दम पर करने की क्षमता विकसित करो, और यदि तुम पूरी तरह आत्मनिष्ठ हो गए तो तुम कर सकते हो, क्योंकि आत्मनिष्ठ व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो कोई भी कार्य करता है तो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता है, और जो सर्वश्रेष्ठ को अर्पित करता है वही सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर पाता है। इसे ही आजकल दूसरे शब्दों में आप लोग बोलने लगे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप लोगों को हिंदी कम समझ में आती है, अगर कहा जाए आत्मनिष्ठ बनो तो थोड़ा लोगों को लगता है कि कौन से जमाने की बात हो रही है, और कहा जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो तो हाँ बहुत पॉजिटिव बात बोल, प्रैक्टिकल बात बोल। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल बात। अरे ये तो हमारी संस्कृति में हमें घुट्टी में सिखाया गया और कहा गया अपने ऊपर निर्भर रहकर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, अपने हौसले और हिम्मत को हमेशा अच्छा बनाकर रखो, तब तुम कुछ कर पाओगे। जीवन में चाहे कितना उतार चढ़ाव हो, चाहे कैसी भी विषमता और विसंगति आए, चाहे कैसी भी विपत्ति या अन्य प्रकार के कोई दुस्संयोग प्राप्त क्यों ना हो, अपनी आत्मनिष्ठा को मत डगमगाने दो। महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि उनका जीवन कितना आत्मनिष्ठ था। श्री राम के जीवन को पलट कर देखिए, वनवास हो गया, जिनका थोड़ी देर पहले राजतिलक होना था उनको वन जाने का आदेश, और वो भी एक राजकुमार के रूप में नहीं, चीराजीन पहनकर, चीराजीन यानी बलकल और छाल पहनकर, कपड़े भी नहीं थोड़े से वस्त्र उनको पहन करके उन्हें जाना पड़ा। ईमानदारी से बोलो, यदि आज के दशरथ और तुम उनकी जगह राम हो और ऐसा आदेश हो तो क्या करोगे? कोटे साहब की अदालत में जाएंगे। क्या अंतर आ गया? थोड़ा सा रामायण के इस प्रसंग को टच करते हुए आगे चले हम। इधर दशरथ जी ने विवश होकर रामचंद्र जी को आदेश दिया, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि दशरथ रामचंद्र जी से कहते, राम तू मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित कर ले, मैं तो बंधा हुआ था इसलिए मुझे आदेश देना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि तू बन जा, तू जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और रामायणों के अनुसार दशरथ जी मूर्छित हो भी गए थे, पर रामचंद्र जी ने कहा नहीं, ये नहीं कर सकता,
वो चले गए। और जब उनसे कहा गया कि वनवास हो रहा है, बोले नहीं, मुझे दंडकारण्य का राज्य मिला है। क्या सोच, मेरे लिए वनवास नहीं, दंडकारण्य का राज्य है, और वहां जाऊंगा तो और मुझे सौभाग्य मिलेगा, वन में ऋषि मुनियों का सानिध्य मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। रामचंद्र जी को आदर्श तो सब मानते हैं, पर उनके आदर्श को अपने जीवन में स्थान कितना देते हैं। वो चले गए, किसके दल बल पर गए? ठीक है, जो होगा सब ठीक है, चल रहा है, हमें आपको लग रहा है वनवास है, पर उनके लिए तो वन और भवन दोनों समान थे। अयोध्या का राजमहल और चित्रकूट की पर्णकुटी में उनने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने पूरे वनवास का काल बिताया, न तो किसी से मदद की गुहार की, न किसी से दोषारोपण किया। और देखिए, सीता हरण के उपरांत सुग्रीव से मदद की बात आई, उनने सुग्रीव को मदद बात मांगी, बाद में मदद किया, पहले मांगा भी नहीं, सुग्रीव ने तो खुद दिया। पहले सुग्रीव को सुतारा से मिलाया, एक आत्मनिष्ठ व्यक्ति की ये पहचान है। कोई दूसरा होता बोला भैया तेरा काम बाद में कराऊंगा, पहले मेरी सीता का पता बता। सोच बदल गई, अपने अंदर वो आत्मनिष्ठा को जगाइए। हमारे यहां एक कथा आती है अंजना की, हनुमान की मां। जैन पुराणों के अनुसार अंजना पवनंजय की पत्नी थी, और किसी गलत फहमी का शिकार होने के कारण पवनंजय ने 22 वर्षों तक अंजना से बात नहीं की। विवाह के उपरांत अंजना अपनी ससुराल में रही, अचानक पवनंजय को अपने भूल का एहसास हुआ। युद्ध के मैदान में उसे अपनी अंजना की याद आई, वो गुप्त रूप से अंजना से मिलने आया। अंजना से मिला, गुप्त रूप में चला गया, और अपनी पहचान की एक अंगूठी भी अंजना को दे गया। पर पवनंजय के आने की किसी को कोई जानकारी नहीं, इस मध्य अंजना गर्भवती हो गई। अंजना का जब गर्भ प्रकाश में आया तो सभी को अंजना के चरित्र पर संशय हो गया, इसने कुछ गलत कुकर्म किया है। अंजना ने कहा भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, देखो मेरे पति की निशानी। बोले जो तेरा नाम सुनना पसंद नहीं करता वो तेरे पास आएगा? हो ही नहीं सकता, युद्ध के मैदान से छत्री आ ही नहीं सकता। अंजना को छिनाल तक बोल दिया गया, उल्टा कह दिया गया, और पति के घर से निकाल दिया गया। अंजना ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पिता के घर जाऊं, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, क्योंकि अंजना के पहुंचने से पहले समाचार पहुंच चुका था। अंजना क्या करे, पेट में हनुमान है, देखो ऐसे महापुरुष, कैसी कैसी विडंबना आती है, ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली मां पर भी ऐसी विपत्ति। लेकिन अंजना ने क्या किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा संभालूंगी, चलो अब कहीं नहीं तो वन में चलो, कर्म मुझे जहां ले जाता है ले चलो। बियावान वन में उसने प्रसूति का पूरा काल बिताया, और एक गुफा में हनुमान का जन्म हुआ। किसके बल पर?
अगर दूसरी आज की अंजना होती तो क्या करती? हा? या तो डायवोर्स की बात करती या डिप्रेशन में जाती, और कुछ नहीं होता। हा? क्या बोल रहे कोटे साहब? हाँ, या फिर गंगा जी में छलांग लगा लेती। ये किसका परिणाम, ये ताकत किसने दिया? आत्मनिष्ठा ने। जितनी गहरी आत्मनिष्ठा होगी उतना बड़ा आत्मबल होगा, और जितना बड़ा आत्मबल होगा तुम्हारे जीवन में उतना संबल होगा। आत्मनिष्ठा अपनी प्रगाढ़ होनी चाहिए। पर मुखापेक्षिता और पर निर्भरता की प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आत्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ, आत्म केंद्रित हो जाओ, वो गलत है। आत्मनिष्ठ होने का मतलब है पर अपेक्षी ना बने। हाँ, जितना बन सके पर की अपेक्षा में पूर्ति करने में सहायक बनो। निर्भर मत रहो और एक तय मान करके चलना संसार के प्रत्येक मनुष्य को। अपनी जिंदगी का सफर खुद तय करना होता है, दूसरा केवल निमित्त बनता है। हमें अपने जीवन के हर मुकाम पर खुद पहुंचना होगा। आत्मनिष्ठा, आगे चलूं, चारों की बात करनी है मुझे। दूसरा है कर्तव्य निष्ठा। जीवन व्यवहार में तुम्हारा जो भी कर्तव्य है उसके प्रति तुम्हारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कर्तव्य को कर्तव्य मान कर करना चाहिए। आप लोग जब कभी कोई दायित्व संभालते हैं तो शपथ लेते हैं, मैं पूर्ण निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, है ना? पर हमारे यहां की विडंबना है, जितने भी शपथ लिए जाते हैं उनकी उनमें कोई निष्ठा नहीं दिखती। देखो, शुरुआत बताता हूं, तुम लोग शादी के समय में सात फेरे में जो वचन देते, सात वचन, उनका निर्वाह होता है? अगर उनका निर्वाह हो तो एक भी तलाक ना हो। हा? हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट हो गए, हर घर में कोर्ट हो गए, कोर्ट हो गए। माँ बाप दोनों आपस में बात कर रहे थे कि बेटे को क्या बनाना है। अब बेटे के भविष्य को लेकर दोनों में द्वंद चल पड़ा कि क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे। दोनों अपनी अपनी बात करे। बेटा ने वहीं बीच में बात काटते हुए कहा, मैं तो वकील बनूंगा। बोले वकील बनूंगा। बोले क्यों? बोले जब आप लोगों का डाइवोर्स होगा ना तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। बड़ी विषमताएं हैं। देखिए, हम अपनी सांस्कृतिक उसूलों को देखिए, जिन बातों को हम बहुत हल्के में लेते हैं, जो सात वचन आप लोगों ने दिए, मेरे को तो कोई अनुभव नहीं है उसका, लेकिन जो सात वचन है यदि उनका निर्वाह हो, दृढ़तापूर्वक निष्ठापूर्वक निर्वाह हो, तो कहीं किसी प्रकार की विसंगति होगी? लेकिन लोगों ने इसे मजाक बना दिया है। जब पंडित वचन दिलाते हैं तो लोग उधर उनकी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए सारी जिंदगी रोना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, कर्तव्य का पालन आप निष्ठापूर्वक कीजिए, चाहे पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे सामाजिक कर्तव्य हो, चाहे राष्ट्रीय कर्तव्य हो, या आपके नैतिक कर्तव्य हो। ड्यूटी ड्यूटी है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ड्यूटी में ही ब्यूटी है। मुझे मेरा कर्तव्य हर स्तर पर निभाना है, उसमें मुझे कोई कमी नहीं करना, निष्ठा होनी चाहिए, चाहे जो हो।
देखिए कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति की क्या पहचान होती है। एक राजा जिसका मंत्री बड़ा निष्ठावान कर्तव्य निष्ठ था, किसी बात से नाराज हो गया और राजाओं का हिसाब किताब तो अलग होता है, वहां सामने वाले को सुनने की कोई बात नहीं होती, एक तरफा आदेश देश निकाले का हो गया, इन्हें देश से निकल जाने का आदेश दिया गया। मंत्री तक ये समाचार पहुंचा, एक बार की उसको लगा कि ये क्या आदेश आया, पर उसने दूसरे ही क्षण अपने आप को संभाला और कहा मैं राजकर्मी हूं, राजा के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, राजा के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मुझे देश निकाला दिया गया है और 24 घंटे की मोहलत दी गई है, मैं बिना किसी प्रकार के तर्क वितर्क के इसका पालन करूंगा और 24 घंटे के भीतर राज्य की सीमा के बाहर जाकर अपना काम करूंगा। वो राज्य की सीमा से बाहर हो गया और ऐसे ही अपना जीवन घूम फिर के बिताने लगा। कई वर्ष बीत गए, राजा एक रोज उधर से अपने रथ से गुजर रहा था और देखा कि वो मंत्री वेश बदलकर उधर घूम रहा है और वो राजा के दीर्घायुष्क और यशस्वी होने की दुआएं मांग रहा है। भिखारी के रूप में वो व्यक्ति है और लोगों से दुआ मांग रहा है कि हमारा राजा दीर्घायुष्क हो और यशस्वी हो। राजा ने उसे देखा, पहचान लिया, उसे अपने दरबार में बुलाया, दरबार में बुला करके बोला आप तो हमारे मंत्री हो। बोले राजन जब तक आप चाहते थे तब तक मंत्री था, अभी तो मैं एक भिक्षुक हूं। राजा ने कहा नहीं भिक्षुक नहीं, तुम आज भी मंत्री हो, मैंने तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा की पूरी करख देख ली, मैंने तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा की पूरी परख देख ली और ये मैंने देखने के लिए किया था कि आखिर तुम्हारी राज्य के प्रति निष्ठा कैसी है। आज का कोई व्यक्ति हो, थोड़ा कुछ हो, उसकी गलती पर भी उसे अगर कुछ कहा जाए तो उल्टी आंखें दिखाना शुरू कर देता है, होता है। संत कहते कर्तव्य विमुखता कभी मत रखना। आज घर परिवार में भी जो गड़बड़ियां होती किस लिए होती है, अपने कर्तव्यों के अनुपालन की कमी में। जब रामायण सीरियल चल रहा था तो देश में कर्फ्यू जैसा वातावरण होता था, वही 10 बजे का टाइम, मैं आहारचर्या के लिए निकला, एक पान की दुकान में टीवी लगी हुई थी और जितनी देर में मेरी आहारचर्या के लिए प्रदक्षिणा का कार्यक्रम हुआ उतनी देर में मेरे कान में एक वाक्य आया, बहुत ही अच्छा वाक्य। उसमें उन्होंने कहा धर्म की व्याख्या करते हुए बहुत अच्छा अर्थ दिया, दूसरे के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के मध्य संतुलन बनाकर जीने का नाम ही धर्म है। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के मध्य संतुलन बनाकर जीने का नाम ही धर्म है। व्यवहारिक स्तर पर धर्म की इससे सरल व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो अपना कर्तव्य पालन करे
मेरा राइट पूरा होना चाहिए। हम अपने अधिकार की बात तो करते हैं, अपने कर्तव्य को क्यों भुला देते हैं? सामने वाले के कर्तव्य की बात करते पर उनकी हक की बात को क्यों गौण करते हैं? कुछ पंक्तियां मैंने उसी दिन लिखी थी, कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन, कर्तव्यों की हीनता अधिकारों का नर्तन, तब और अब में बस इतना परिवर्तन, तब और अब में बस इतना परिवर्तन। अब कर्तव्य लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए हर जगह महाभारत हो रहा है। कर्तव्य निष्ठ हो हम अगर घर परिवार में, तो मेरा जो कर्तव्य है उसका मुझे पालन करना है। समाज के मध्य में हूं तो मेरा जो सामाजिक कर्तव्य है उसका मुझे पालन करना है। राष्ट्र के लिए मेरा जो कर्तव्य है उसका मुझे पालन करना है। यदि मैं किसी शासकीय सेवा में हूं तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। निष्ठा पूर्वक कर्तव्य का पालन करो। आजकल लोगों ने एक लतीफा सा बना लिया है, चलता क्या है, चलता है। इस चलता है शब्द ने हमें चलायमान कर दिया, इसे बदलना है, इस अवधारणा को बदलना है। अपने जेहन में यह बात बिठाइए कि नहीं, मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना ही है। कर्तव्यम एव कर्तव्यम, जो करने योग्य है उसे करना ही चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। ऐसी कर्तव्य निष्ठा अगर जग गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, फिर समस्याएं सामने नहीं आएगी। तीसरी है धर्म निष्ठा। हर व्यक्ति को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होगा वो पाप भीरू होगा, उसके मन में पाप से डर होगा, और जो मनुष्य पाप भीरू होगा वो कभी अकार्य नहीं करेगा। धर्म के प्रति निष्ठावान हो, क्योंकि धर्म से ही हमारे जीवन का उत्थान होना है। हाँ, मैं केवल धार्मिक क्रियाओं वाले धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, विचारों के धर्म की बात कर रहा हूं। जो हमारे चिंतन और सोच में बदलाव लाए, जो हमें पाप से दूर करे, जो हमारे अंदर की संवेदना को जागृत करे, वो धर्म निष्ठा गहरी होनी चाहिए। हम उस संस्कृति में पले हुए हैं जहां उठते ही हमें ये सूक्त सुनाया जाता था, सत्यम बद धर्मम चर, सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। उससे हमारी निष्ठा गहरी होती थी। आज सब बदल गया, कहां सत्यम बद, कहां धर्मम चर, कहां मातृ देवो भव, कहां पितृ देवो भव, कहां अतिथि देवो भव, सब उलट पलट गए। संत कहते हैं धर्म की निष्ठा प्रगाढ़ होनी चाहिए, और यदि तुम्हारे हृदय में धर्म निष्ठा होगी तो वह तुम्हारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगी। जीवन में अन्य जितनी भी बातें हैं वे केवल जीवन के निर्वाह के माध्यम हैं। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो जीवन के निर्माण और निर्वाण का आधार है। उसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आप सब यहां जितने लोग बैठे हैं सब धार्मिक हैं, है कि नहीं है? धार्मिक नहीं होते तो धर्म में निष्ठा भी है आपकी, लेकिन ईमानदारी से बोलो ना, जब कभी कोई विशेष कार्य आ जाए,
तो सबसे ज्यादा कटौती किस में होती है? क्या हुआ? जैसे जैसे तुम्हारा व्यापार बढ़ा, कारोबार बढ़ा या पारिवारिक काम आए, सबसे पहले कटौती किस में? हा? अब बोलो, कैसी धर्मनिष्ठा है तुम्हारी? तुम कहते हो धर्म के बिना हम नहीं चलेंगे, धर्म को हमें महत्व देना है, हमारा धर्म जीवन का आधार है, ये बोलते हो, लेकिन उसको सबसे निचले पायदान में क्यों रखते हो? ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म की निष्ठा की बात भले करो, पर धर्म में जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा कम दिखती है। जो प्रगाढ़ धर्मनिष्ठ होते हैं वो कहते बाकी काम बात की, मेरा जो धार्मिक कार्य है वो मुझे करना है, मेरा जो धार्मिक कर्तव्य है वो मुझे करना है, और ऐसे व्यक्ति के आचरण में भी और विचारों में भी धर्म दिखता है। तो धर्म निष्ठ बनिए, अपनी धर्म निष्ठा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बनाने की कोशिश कीजिए। जीवन का उद्धार तो उसी में है, बाकी चीजें तो सब छूट जाएगा। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? धर्म भी एक ऐसा तत्व है जो सब जगह साथ देगा। एक राजा का इकलौता पुत्र था, उसके तीन मित्र थे। राजा वृद्ध था, उसे लगा कि मेरे बाद इन तीन मित्रों पर इसका अंधा विश्वास है, कौन सहायक होगा, इनकी परीक्षा ली जाए। इसी ख्याल से उसने अचानक अपने बेटे का देश निकाला घोषित कर दिया और कह दिया 24 घंटे के भीतर नगर की सीमा से बाहर जाओ और जो इसको संरक्षण देगा उसे मृत्युदंड मिले। बेटा सुना तो एकदम सकते में आ गया, पर राजाज्ञा, उसके आगे तो बोलने की कोई हिम्मत नहीं। रोते रोते अपने क्या करे कोई उपाय नहीं निकला, सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो 24 घंटे उसके साथ रहा करता था। उसके यहां जब गया तो उसके पास खबर तो पहले ही से पहुंच गई थी, उसने मिलने से इनकार कर दिया और कह दिया मैं नहीं मिल सकता, भैया तुम्हारे ऊपर विपत्ति बहुत आई है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। हताश हुआ, दूसरे मित्र के पास गया जिससे वह सुबह शाम मिला करता था। उसने बोला भैया देख विपत्ति तो तेरे ऊपर बहुत गहरी आई है, पर राजा के स्वभाव को मैं जानता हूं और उनके आदेश को कोई बदल नहीं सकता, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरा एक घोड़ा है इस पे सवार होकर के तुम निकल जाओ, मुझे पक्का भरोसा है 24 घंटे के भीतर ही ये तुम्हें नगर की सीमा से बाहर पार कर देगा। भैया ये इससे क्या होगा, घोड़े से क्या होगा, कोई और उपाय बताओ, पर मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं। अब वो तीसरे और ऐसे मित्र के पास मिलने गया जिसके पास यदा कदा ही वो जाया करता था, जिसे यदा कदा वो मिलता था, उसके यहां गया, उसे मालूम पड़ा, वो सीधे आया, उसे अपने गले से लगाया, बोले हाँ अंदर बैठ, बिठाया, कुछ खाने पीने की बात की, बोले मौत सामने खाने पीने की बात कर रहे, बोले छोड़ कुछ नहीं होगा, तो एक बात का जवाब दे, तेरा कोई अपराध है क्या? बोले मेरे ज्ञान में तो कोई अपराध नहीं, याद कर, बोले मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले कोई दिक्कत नहीं, तू यहां रह, रात मेरे यहां रह, सुबह मैं तेरे साथ दरबार में चलूंगा, फांसी लगेगी तो पहले मुझ पर लगेगी।
फांसी लगेगी तो पहले मुझे लगेगी। देख तेरे साथ कोई बात, चिंता मत कर, चल। दूसरे दिन राज दरबार में दोनों गया, राजा की त्योरियां चढ़ गई। राजा ने कहा मेरी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम तुम लोगों ने नहीं जाना? बोले जाना है, अगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो हमें जो सजा है हम स्वीकार है, पर हम ये जानते हैं कि आपके राज्य में आज तक अन्याय नहीं हुआ, आज तक राज्य में अन्याय नहीं हुआ, मैंने आपकी राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इनको संरक्षण दिया है, इसलिए आप मुझे चाहे तो सूली पर चढ़ा दे, मेरा अपराध हो सकता है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस राजकुमार को राज्य से की सीमा से बाहर क्यों निकाला गया, इसका अपराध क्या है, आप अपराध बताएं तो ठीक हो सकता है, किसी निरपराधी को सजा देना आप जैसे उदार न्यायनिष्ठ राजा के योग्य नहीं है, इसका अपराध साबित कीजिए और उससे पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, मैं नहीं होने दूंगा। राजा ने सुना तो उसे अपने छाती से लगा लिया, बोला बस तुम ही सच्चे में भरोसे के लायक हो, और मुझे तो केवल परख करनी थी, अब मैं अपने बेटे को अपना राजभार सौंप रहा हूं और तुम्हें उसका मंत्री बना रहा हूं, तुम उसे स्वीकार कर। बंद वो एक कहानी, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे जीवन की कहानी है। हमारे जीवन के साथ तीन चीजें जुड़ी है, एक है शरीर जो 24 घंटे हमारे साथ लगा है, जो सबसे पहले धोखा देता है मौत के समय, कुछ काम में नहीं आता, कुछ काम में नहीं आता। दूसरा है संपत्ति धन, वो कहता है घोड़ा ले जाओ, ज्यादा ज्यादा होगा तो चंदन से जलवा देगा और कुछ नहीं करेगा, इसके आगे कुछ नहीं। पर तीसरा है धर्म, बोले मेरे रहते तुम पर विपत्ति आ ही नहीं सकती, तुमने जब कुछ गलत किया नहीं तो तुम्हारे साथ गलत होगा कैसे, ये धर्म हमारा संरक्षक है। बस मैं आपसे यही कहता हूं वही तुम्हारे साथ जाएगा, और कुछ भी ना तो आज तक गया है न जाएगा, उसके प्रति निष्ठा रखो, बाकी चीजें यही छूट जाने वाली है। मूल को पकड़ करके रखोगे तो जीवन में कभी बिगाड़ नहीं होगा, और मूल को भुला दोगे तो जीवन कभी सफलीभूत नहीं होगा। तो धर्म निष्ठा को प्रगाढ़ बनाइए, जैसे कितना भी उच्च महल हो, कितना भी सुंदर भवन हो, यदि उसकी नींव कमजोर हो तो पल में भूषात हो जाए। ऐसे ही हमारा जीवन, चाहे कितना भी ठाट बाट वाला हो, धर्म निष्ठा की नींव कमजोर हो तो कभी भी बिखर जाए। आज दुनिया के बहुत पैसे वाले लोग सुसाइड करते दिखते हैं, डिप्रेशन के शिकार दिखते हैं, क्यों? उनने अपने आप को बाहर से मजबूत किया, भीतर से खोखले हैं, क्योंकि भीतरी तत्व को मजबूत बनाने वाला जो धर्म है उनसे वो अनभिज्ञ है, दूर है, निष्ठा नहीं है। तो धर्म निष्ठा प्रगाढ़ बनाइए। आखिरी बात, संस्कृति निष्ठा, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनिए, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हमें ऐसी धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गूंजा, हमने ऐसी धरा में जन्म लिया जहां से नर से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, हम ऐसी धरती पर जन्म लिए जहां से आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये हमारी संस्कृति है, गौरवशाली संस्कृति। उस संस्कृति के प्रति हमारा पूर्ण लगाव होना चाहिए, रुझान होना चाहिए, उसके प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए। आज विडंबना है कि लोगों की सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन छीन होते जा रही है, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। अब संस्कृतियों का प्रसार दिनों दिन हो रहा है और उसके कारण कई तरह की विडंबनाएं आ रही है। अरे बंधुओं, कुछ चीजें तो ऐसी है जिन पर आज कानून की मुहर भी लग रही है।
कुछ अभी के ऐसे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मुझे नहीं मालूम कि ये जजमेंट किसके आधार पर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून है या क्या है, पर मैं तो समझता हूं भारत को भारत के हिसाब से चलाएंगे तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे, नहीं तो भारत महाभारत हो जाएगा। इन पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और संस्कृति निष्ठा का जो अभाव है उसके पीछे सबसे प्रबल कारण है आज की शिक्षा। आज भारत में भारतीयों को भारत की बात कम, बाहर की बातें ज्यादा पढ़ाई जाती है। वो युग था भारत का स्वर्णयुग जब गुरुकुलीन शिक्षा होती थी। गुरुकुलीन शिक्षा में हर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता था, कोई भी बेरोजगार और भिखारी नहीं होता था। मैकाले ने जो अपना स्टेटमेंट दिया और 1835 में उन्होंने कहा कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे एक भी अनपढ़, एक भी भिखारी और एक भी चोर दिखाई नहीं पड़ा। वो भारत का स्वर्ण युग था जिस समय भारत में 7 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे और कोई भी अशिक्षित नहीं होता था। दक्षिण भारत में 100% और उत्तर भारत में 97% शिक्षित थे, साक्षर थे, स्त्री पुरुष सब। वहां उनके चरित्र का निर्माण होता था। वो पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ते थे तो भारत के स्वरूप को गढ़ने में सहायक बनते थे। आज के हैं भारत में हैं पर उन्हें कालिदास को नहीं पढ़ाया जाता, माघ को नहीं पढ़ाया जाता, जिनसेन को नहीं पढ़ाया जाता। अब वो शेक्सपियर को पढ़ करके भारत के निर्माण की बात करते हैं। नतीजा जो भारत और भारत की आत्मा को नहीं समझेंगे, अगर उनके हाथ में कोई जजमेंट भी होगा तो निश्चयतः वो भारत के पक्ष का नहीं हो सकता, भारतीयता के अनुकूल नहीं हो सकता। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। व्यक्ति व्यक्ति की सांस्कृतिक निष्ठा प्रगाढ़ होनी चाहिए। सांस्कृतिक निष्ठा क्या होती है? विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए और अपने पहले व्याख्यान से जो विश्व धर्म संसद में उन्होंने दिया, उन्होंने प्रसिद्धि पाई, लौट कर जब भारत आए, उनसे लोगों ने पूछा कि भारत में रहने और विदेश से लौटने के बाद भारत के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? विदेश जाने के पहले और विदेश से लौटने के बाद भारत के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? उन्होंने कहा, जब तक मैं विदेश नहीं गया अपनी भारत माता से प्यार करता था, जब तक मैं विदेश नहीं गया तब तक भारत माता से प्यार करता था, जब से विदेश से लौटा हूं अब पूजा भी करूंगा। ये सांस्कृतिक निष्ठा है। हमारे यहां संस्कृति की निष्ठा बड़ी प्रगाढ़ रही और उसके लिए सब कुछ वारने की परंपरा रही। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत से वापस जा रहा था, अपने साथ विपुल साहित्य लेकर जा रहा था, अचानक गंगा में थोड़ा सा भंवर सी उठी और नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। उस नाविक ने कहा कि देखो नाव का संतुलन बिगड़ रहा है, नाव में भार अधिक है, कुछ साहित्य गंगा में डाल दो जिससे कि नाव का भार कम हो और हम उस पार सकुशल पहुंच जाएं। जैसे ये बात आई, उस नाव पर सवार जो विद्यार्थी थे फटाफट नदी में छलांग लगा दिए। उनने बोला, ये क्या कर रहे हो? बोले, हम मर जाएंगे चलेगा, पर ये ग्रंथ जाएंगे तो हमारी संस्कृति जाएगी, हम इसे नहीं जाने देंगे। ये सुरक्षित होना चाहिए। ये हमारे सांस्कृतिक निष्ठा के उदाहरण है। अगर संस्कृति पर निष्ठा होगी तभी तुम्हारी राष्ट्र पर निष्ठा होगी। आज सीमा पर जो जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं वो उनकी सांस्कृतिक निष्ठा का ही परिचय है, जिनके मन में देशभक्ति कूट कूट करके भरी है। एक तरफ लोग अपने जान की होली खेल रहे हैं, जान को दांव पर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। हमें दोनों चीजों को सोचना चाहिए।
सांस्कृतिक निष्ठा को जगाए बिना न व्यक्ति का कल्याण है न समाज का कल्याण है। तो आज निष्ठा की बात मैंने की, आप सब निष्ठावान लोग हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि आप चारों में खड़े हैं। ये प्रवचन तो मैं और लोगों को सुना रहा हूं, प्रवचन और लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप सब पूरी तरह खड़े हैं और ऐसे ही खड़े बने रहें, जीवन सौ टंच शुद्ध बने। निहित स्वार्थों के पीछे जो मनुष्य अपनी निष्ठा को खो देता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। निष्ठा से ही मनुष्य की असल पहचान है। सब गंवा देना उसको मत गंवाना। किसी दार्शनिक संत से किसी ने पूछा, किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किन बातों की जरूरत है? उन्होंने कहा, सेना, अनाज और निष्ठा। सेना, अनाज और निष्ठा। बोला, अगर इसमें किसी एक का अभाव हो तो? बोले, सेना के बिना अनाज और निष्ठा के बल पर राज चल जाए। बोला, अगर दो का अभाव हो तो? बोला, सेना और अनाज के अभाव में तो राष्ट्र टिक सकता है, पर निष्ठा खो गई तो सब कुछ खो गया। निष्ठा चाहिए। तुम्हारे पास सेना ना हो चलेगा, तुम्हारे पास अनाज ना हो चलेगा, लेकिन एक एक व्यक्ति व्यक्ति में निष्ठा होगी तो खोया हुआ राज फिर पा जाओगे। राणा प्रताप ने सब खो दिया था, लेकिन भामाशाह जैसे राष्ट्रनिष्ठ लोग थे, उसने अपनी निष्ठा के बल पर खजाना खोल दिया। राणा प्रताप के हृदय में निष्ठा थी, तो बाद में सेना भी आ गई, अनाज भी आ गया और अपना खोया हुआ राज्य भी आ गया। बस ये हमारे लिए समझने की बात है। तो ऐसी निष्ठा हमारे हृदय में भरी रहे, हम अपने जीवन को निष्ठावान बनाए और जीवन को सुंदर बना सके। इस भाव के साथ मंगल भावना की चार पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का